टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स। किस तरह हमने अल्केन तैयार करना है। वी हैव अ नंबर ऑफ मेथड्स फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स। लेकिन यहाँ पे बुक में टू गिवन मेथड है। द फर्स्ट मेथड इज डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। अभी डिहाइड्रेशन का क्या मतलब है? डी का मतलब है रिमूवल, हाइड्रेशन का मतलब है वाटर, रिमूवल ऑफ वाटर यानी H2O। और अल्कोहल कौन से कंपाउंड्स है? अल्कोहल वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, पिछले चैप्टर में हम डिस्कस कर चुके हैं कि इसका फंक्शनल ग्रुप है OH। जब OH अल्काइल ग्रुप के साथ OH अल्काइल ग्रुप के साथ अटैच हो तो हमारे साथ कौन से कंपाउंड्स है? वो हमारे साथ है अल्कोहल। इसका फंक्शनल ग्रुप है OH और R का मतलब है अल्काइल ग्रुप। So, रिमूवल ऑफ वाटर द फर्स्ट मेथड हमारे साथ रिमूवल ऑफ वाटर। तो इससे हम तैयार करते हैं अल्कीन। किस तरह हम लिखते हैं? हमारे साथ है HCH, यहां पे COH, H यहां पे H और यहां पे H, एंड प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4। H2SO4 जो एज ए कैटलिस्ट काम करता है, जो एंड में रिकवर होता है इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4। और कितना हीट अप करना है? 180 डिग्री सी तक। तो रिजल्ट में हमारे साथ क्या बनता है? यहां पे डिहाइड्रेशन होता है, वाटर H2O रिमूव होता है और रिजल्ट में हमारे साथ डबल बॉन्ड अल्कीन बनता है, HC डबल बॉन्ड C, यहां पे H और यहां पे H। इसको हम कहते हैं ईथीन, इसको हम कहते हैं और हमारे साथ H2O बन जाता है। सो दिस इज द फर्स्ट मेथड। द सेकंड मेथड दूसरा हमारे साथ है डिहाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। डिहाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। डिहाइड्रोहैलोजिनेशन का क्या मतलब है? डी का मतलब है रिमूवल। नाउ हाइड्रोहैलोजिनेशन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड हैलोजन। हम हाइड्रोजन को भी रिमूव करते हैं और हैलोजन को भी रिमूव करते हैं। अभी हमारे साथ अल्काइल R है और हैलाइड हमारे साथ है X। ये हमारे साथ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। जब हेलोजन्स ग्रुप 7 के मेंबर्स, जिसको हम हेलोजन्स कहते हैं, मीन साल्ट पॉलीमर, वो अल्काइल ग्रुप के साथ अटैच हो तो उसको हम कहते हैं अल्काइल हैलाइड। तो हम लेते हैं एग्जांपल HC, यहां पे H और यहां पे C, यहां पे CL, H और यहां पे H। ये टू एडजेसेंट कार्बन है, एक से हाइड्रोजन रिमूव होता है और दूसरे से हैलोजन रिमूव होता है, एंड प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक KOH। अभी OH पे नेगेटिव है और यहां पे इस पे पॉजिटिव है, यहां पे क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिव